हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जाइंट डिटेल्स में। मैं हूं सार्थक और हमारे साथ आज एक नए चेहरा है जिनका नाम विभाष भैया है। तो कैसे हो दोस्तों, आज हम पहली बार इस चैनल पे आए हैं और इस बार हम आए हुए हैं पटना सिटी के नाला पे और यहां पर हम लोग करने वाले हैं 100 फोचकास ईटिंग चैलेंज। और अब हम मिलते हैं यहाँ के जो सेलर हैं, हमारे जो खास हैं, हमारे जो हीरो हैं फोचका के पीछे, उनसे बात करके देखते हैं कि वो क्या स्पेशल करते हैं हमारे फोचका के साथ। तो आइए मिलते हैं इनसे जो हमारे फोचका के पीछे के हीरो हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? अनूप प्रसाद। क्या? अनूप प्रसाद। अनूप प्रताप जी, आप कितने दिन से यहाँ पे हैं, कितने दिन से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? 40 बरस। 40 साल से ये काम ये कर रहे हैं और 40 बरस से अभी भी वही क्रेज है जो पहले था। तो आप यहाँ जो ये काम कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा स्पेशल डालते हैं जो 40 साल तक अभी तक आपका क्रेज जैसा का तैसा वैसा का वैसा ही है? जीरा गोलकी यही सब डालते हैं और काफी डाल। चलिए भाई, तो जीरा गोलकी का झोंक डाल के लोग काम कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं फोचका से करेंगे 200 फोचका ईटिंग चैलेंज। तो चलिए चलते हैं। ऐसे ही फन चैलेंजेस और ब्लॉग वाले वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल जाइंट ईटर को सब्सक्राइब करिए। आप ही बोलिए भैया, जाइंट ईटर चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम ले चुके हैं अपना गोलगप्पा, हमारा फुचका, हमारा पानी पूरी और हम चल रहे हैं घर। और घर चलकर हम करते हैं ये चैलेंज कम्प्लीट और देखते हैं कि मैं जीतता हूँ या हमारे सार्थक। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने घर पर पानी पूरी ले करके। और ये पानी पूरी कहने लायक नहीं है, ये हमारे मिनी भटूरे हैं। भटूरे, मिनी भटूरे हैं, भटूरा जूनियर है हमारे पास, स्पेशल ऑर्डर दे करके बनवाया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास सामने 100-100 रखे हुए हैं। देखते हैं मैं पहले खाता हूँ या पहले ये खा लेता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, विभाष भैया ने अभी बताया कि आज का जो चैलेंज है वो काफी टफ है क्योंकि हमें 100 गोलगप्पे खाने हैं। और विभाष भैया ने ये भी कहा कि देखते हैं आज कौन जीतेगा, कि कौन पहले खत्म करेगा। तो शायद इन्होंने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है कि मैं ही जीतता आया हूँ। और अगर आपने भी नहीं देखा है हमारा पुराना वीडियो, तो हमारे पुराने वीडियो को जाके जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में तो आप देखिए, हमें 100 गोलगप्पे खाने हैं, तो एट लास्ट हम लोग देखेंगे कि कौन जीतता है। और ये हमारे नए कंपटीटर हैं, तो शायद इनको भी नहीं मालूम हो कि मैं कितना बड़ा जाइंट ईटर हूँ। तो आइए हम आगे देखते हैं होता है क्या। लेट्स डू इट। 3 जीतेगा उसे मिठाई मिलेगी और जिस जो हारेगा अपना मुंह जैसा है वैसे लेके घर जाएगा, वो पता चलेगा बाद में। Thank you.
मैं 90 भोज का खा चुका हूँ। अब बात है कि अंतिम के 10 पक्ष खिलाते हैं कि नहीं। भैया आप भी जॉइंट वेंचर बनने लायक हैं, 90 पक्ष का यहीं है, वहाँ है वो भी, वहाँ 90 पक्ष का है ना। दोस्तों, भाइयों, यारों, गाइस, एक बचा। मैं कपड़ों का हाल देख सकते हैं, हैवानियत की निशानी। मैं अपने दोस्तों का मूड ऑफ नहीं होने दूंगा, मैं ही देखूंगा। जीत से बस 2 क्वार्ट पीछे हूँ मैं। जीत से 1 क्वार्ट पीछे हूँ। मोहब्बता खत्म, मैं जीत गया, सब खत्म। पानी नहीं पी पाए, पानी बहुत पीता है। बात थे कुछ को की ये भी खा जाता हूँ, करेगा खा था तो मैं जीत चुका हूँ। अब मैं पानी पीऊँगा, फुचके का नहीं, पानी। तो दोस्तों हमारा चैलेंज हो गया पूरा, और हमारे जो सार्थक है, हमारे जॉइंट ईटर का टाइटल इन्होंने मेंटेन करते हुए मुझसे कुल 2.5 सेकंड पहले सारे 100 फुचके खा लिए हैं। और मुझे कहने में तो ठीक नहीं लग रहा, पर मैं 2.5 सेकंड से हार गया यार। मेरे मिठाई, हाँ चैलेंज के हिसाब से मिठाई तो था देना, था तो क्या देना, देना ही है, था क्या देना ही है। और भाई फुचका था एक नंबर, बड़ा जबरदस्त था, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। आप लोगों ने देखा था दिस मच, वो इतना बड़ा साइज का लग रहा था। जब 90, जब आप 80 के प्लस जाइएगा ना, तो वो इतना सा फुचका इतना बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद तो आप आइए खाइएगा जरूर यहाँ पर। और जैसा कि हमारा चैलेंज का था क्राइटेरिया, उसके तहत देना पड़ रहा है यार। और हाँ, यहाँ का एड्रेस हम हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा और एड्रेस देख के हमारे पटना सिटी के सबसे स्पेशल पानी पूरी खाने ज़रूर आइएगा। और हाँ, भानु प्रताप जी को ज़रूर बोलिएगा कि हम लोग जॉइंट ईटर देख करके आपके पास आए हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको और क्या देखना है, इसमें क्या अच्छा लगा, और क्या लगता है कि इसमें और क्या किया जा सकता है। थैंक यू। और हाँ, हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जाए। हाँ, घंटा दबाना जरूरी है भाई, घंटा नहीं बजेगा तो फिर आपके पास पहुंचेंगे नहीं हम लोग। तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, और माहौल पढ़ते रहिए।